अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम किधर जाएंगे वो भी आप लोग खाएंगे बाद में। तो आज हम लेट भी हो गए थोड़ा सा, सुबह और मसरूफियाती लोगों। अभी हम वेट कर रहे हैं एक ख़ास बंदे का, जो कि आप लोगों को पता है कि वो बंदा कौन है। तो मैं उसको फ़ोन करूँगा अभी अपने सर से, देखूँगा कि किधर है वो। करेंगे और ये यहाँ का मैप है। ये जो इधर ज़्यादा लोग जा रहे हैं, आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कहाँ पे जा रहे हैं, जो कि वहाँ पे एमिरेट्स मॉल है, दुबई मॉल है और सारे इसी ट्रैक पे आते हैं। तो वहाँ पे लोग ज़्यादातर वीकेंड में जाते हैं, ज़्यादातर फॉरनर जो आते हैं। ये ट्रैक इसलिए ज़्यादा इस पर रश होता है हर टाइम, क्योंकि ये मरीना वाले साइड पे ज़्यादातर लोग जाते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छे अच्छे मॉल्स है, सारा कुछ वहाँ पे है। तो इसलिए लोग वहाँ पे ज़्यादा जाते हैं, हम भी इसलिए जा रहे हैं। यहाँ पर नीचे हम जानना नहीं है, जन्नत है। अभी हमने विंडो शॉपिंग स्टार्ट किया है, आराम आराम से एक एक चीज़ हम लेंगे और फिर आपको भी आप लोगों के लिए कुछ लेंगे यहाँ से, क्योंकि ये एक स्पेशली एक तोहफा रहेगा मेरा आप लोगों के साथ, जो कि एक्सपेंसिव होगा, बहुत एक्सपेंसिव। और ये मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं कुछ इधर से गिफ्ट कर लूँ। और अभी हम जा रहे हैं एक्वेरियम। कमेंट्स में लाजमी बता देना कि आप लोगों को क्या पसंद है यहाँ पे, ठीक है। तो और ये भी बता दे कि हम दोस्तों को लाजमी गिफ्ट करेंगे। और नेक्स्ट व्लॉग के लिए भी हमें बता दो कि हम कहाँ जाएं। हम जा रहे हैं एक्वेरियम जा रहे हैं, या एक्वेरियम अभी हम दुबई एक्वेरियम जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्वेरियम है। ये बोल रहा है अभी देखेंगे हम, देखेंगे, क्योंकि ये पहले आया हुआ है, मैं नहीं आया हूँ। दुबई मॉल बहुत आया हूँ, लेकिन ज्यादातर मैं इधर उधर नहीं घूमा। ये अब सारे यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये यहाँ से टिकट परचेस कर सकते हैं। और इसका 195 मतलब 200 दिरहम टिकट है इसके। तो अंदर जाके आपको सारा एक्वेरियम का विज़िट कराएंगे और आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। तो अभी तो हम नहीं जा रहे क्योंकि और भी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करनी है। तो यहाँ पे एक जंगल रेस्टोरेंट है यार, इस रेन फॉरेस्ट कैफे। तो ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, डिस्कवर करेंगे। ये
ये बुक हेवन है, बिल्कुल आपको हर किस्म का बुक यहाँ से मिलेगा। दुनिया के जितने भी लैंग्वेजेस की बुक है आपको यहाँ से मिल सकता है। जो कि ऊपर से पानी नीचे बह रहे होते हैं, लेकिन अब हम आपको दिखाने वाले हैं एक आर्टिफिशियल जो कि यहाँ पे आर्टिफिशियल बना गया हुआ है, एक फाउंटेन है जो कि बहुत ही लोग उसको देखने को आते हैं यहाँ पे दुबई मॉल में। अगर वो नहीं देखा आपने तो फिर मज़ा ही नहीं है। तो चलो हम आपको अभी वो दिखाते हैं। दुबई में हर एक चीज़ की बहुत फैसिलिटी है, हर जो है हर चीज़ बहुत इजीली आपको मिल सकता है। एंजॉयमेंट के लिए भी बहुत कुछ है और यहाँ पे हर कंट्री से लोग आते हैं दुबई मॉल, जो कि स्पेशली बहुत फेमस है। यहाँ पे आपको हर ब्रांड की चीज़ भी मिलेगी और दुनिया के हर किस्म के लोग यहाँ पे आके एंजॉय करते हैं और यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, हर एक चीज़ मौजूद है। आप जाके चेक कर सकते हैं, मॉल भी चेक कर सकते हैं और लोग भी देख सकते हैं। आप बहुत सारे लोग आए हुए हैं, आज वीकेंड है तो वीकेंड में स्पेशली लोग बहुत ज़्यादा निकलते हैं और एंजॉय करते हैं। भाई हाँ, ये दुबई मॉल का जो सबसे एक्सपेंसिव एरिया है, यहाँ पे आपको दुनिया के कीमती पत्थर वगैरह वो आपको मिलेंगे, रूबी, डायमंड, प्लैटिनियम, एवरीथिंग आपको मिलेंगे। जब आपको स्टोन्स के शौकीन हैं तो आप लाजमी इस जगह पे विजिट करें। फाइव फोर थ्री टू वन गो। ये व्यू चेक करो, बुर्ज खलीफा दुबई, ये बहुत खूबसूरत, मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है। और ये देखो ये सारे रेस्टोरेंट हैं जो कि लोग अभी खाना खा रहे हैं और ज़्यादातर लोग आए हुए हैं। अभी मौसम, इस मौसम में तो दुबई का मज़ा ही कुछ और होता है। तो मेरे साथ जो बंदे आए हुए थे वो मुझे नज़र नहीं आ रहे, वो पता नहीं किधर गए, वो सामने कभी नहीं आया। क्या हो गया? मैं वेट कर रहा हूँ यार म्यूज़िक का, म्यूज़िक का वेट कर रहे हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ लेकिन म्यूज़िक से मुझे और भी एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी पे ये जो फाउंटेन है, ये जो म्यूज़िक वो डांसिंग करती है तो अच्छा। अभी एक और चीज़ देखा थे भाई, आप क्या बोल रहे थे कि मुझे म्यूजिक सुनना है, तो सुन लो भाई साहब।
तो कैसा रहा लुकमान आपका एक्सपीरियंस दुबई मॉल का? बहुत जबरदस्त था। मैंने आज बहुत सारी चीज़ें देखी है, इससे पहले मैं गया भी था लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आज का तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और मज़ा भी आया, दोस्त भी आए हुए थे तो मज़ा। शुगल मेला भी थोड़ा बहुत लगा क्योंकि अभी तक दोस्त लोग बोल रहे हैं कि आप लोग वीडियो में कोई एंटरटेनमेंट वगैरह नहीं दिखाते हो, इसलिए हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी लेके आए वीडियो में। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, और हमारे लिए भी दुआ करो, आप लोगों को दुआ करेंगे कि हम आगे तरक्की करें, और आप लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक तो ज़रूर है और लाइक शेयर भी तो ज़रूरी है, सब कर दें। बिल्कुल ओके, अल्लाह हाफिज़।